आज का सीक्वेंस है कि सुमन की एक्स हस्बैंड की बरसी है आज, और मैं उसे तंग करना चाहती हूँ, कलावती को तंग करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने किटी पार्टी रख दी और बहुत इनोसेंट बिहेव करी। अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि बरसी थी, और मैं बहुत अंदर पूजा चल रही है और बाहर में बहुत ज़ोर से म्यूज़िक ऑन करके अपनी फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर रही हूँ, तो उस तरह का सीक्वेंस है। मम्मी जी, म्यूजिक बंद कीजिए ना, हमें
तकलीफ देते हैं उस पे है। हमारे इंडिया में हम देखते होंगे कि जहाँ घर में एक सास डाइजेस्ट नहीं हो पाती, बहू उसी से ही परेशान हो जाती है, यहाँ दो सास किस तरह से एक बहू हैंडल करती है और किस तरह से दोनों सास का टेम्पो अलग है, दोनों का जॉनर अलग है, तो किस तरह से उन लोग परेशान करते हैं सुमन को और सुमन किस जद्दोजहद उसका जो स्ट्रगल है वो दिखाया गया। तो आई थिंक ये ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। परिवार के सामने इन संस्कृति
रोले ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ लिया लिया बेटा लिया। एक तो मैंने सिंदूरा का कैरेक्टर जो है उसका लुक मैंने खुद डिसाइड किया, थोड़ा ग्लैमरस चाहिए था, इसलिए थोड़ा जिस हिसाब से मैं हूँ वो डिज़ाइन किया। लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने काफ़ी इस बात को, इस लुक को सराहा है। एंड परफॉर्मेंस मैं देती रहती हूँ अपने, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देती रहती हूँ, और जो फीडबैक मिला है उससे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये कैरेक्टर। और जो भी कभी कुछ 19-20 होता है तो मेरी प्रोड्यूसर है निविदिता बासु, वो मुझे गाइड कर देती हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह ले लो एंड ऑल दैट, यू नो। सो या एज अ टीम वर्क कैरेक्टर काफ़ी निखर के आया है। थैंक यू।